तो दोस्तों क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो 70-75% मार्क्स लेकर आता है और ये कहता है कि अगले साल मैं बहुत मेहनत करूंगा और 90% मार्क्स लेकर के आऊंगा। दूसरी तरफ वो वाला बच्चा होता है जो 35-40% मार्क्स लेकर आता है और ये कहता है कि अगले साल मैं 95 या 99% मार्क्स लेकर आऊंगा। अब ये जो दूसरी टाइप वाला बच्चा है दोस्तों, इसको हम लोग बेवकूफ बच्चा कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से इस टाइम हमारे देश की सरकार यहाँ पे एक्ट कर रही है एक बेवकूफ बच्चे की तरह, एक बेवकूफ स्टूडेंट की तरह। बात कर रहा हूँ राजनाथ सिंह के एक स्टेटमेंट की कल की, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया को 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना देंगे। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन पहुंचा देंगे, अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इसको पहुंचा देंगे। दोस्तों 23 मई 2019 के बाद से जिस तरीके की सच्चाइयां हमारे सामने आ रही हैं, अब ये तो बात हो गई डे ड्रीमिंग की, बेवकूफ बच्चे की या बेवकूफ स्टूडेंट की, लेकिन 23 मई के बाद से लगातार हमारे सामने जो सच्चाइयां आ रही हैं हमारे देश को लेके, उससे हम सब की आंखें खुल चुकी हैं। और ऐसे में जब सरकार ऐसे बातें बताती है कि वो 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का सपना लगता है और कुछ नहीं। 23 तारीख के बाद, 23 मई के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की गिरावट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डाउनफॉल है हमारे को पता चला, 45 ईयर ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट चली गई ये पता चला, जो हमारी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी 5-6 महीने के ऑल टाइम लो पे पहले ही आ चुकी थी। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी लगातार गिरने लग गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी गिरने लग गया था। फिर रिसेंटली आंकड़ा आया कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है पहले क्वार्टर का वो 5% पे आके 6 साल के ऑल टाइम लो पे आके रुक चुका है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में इनकी अपनी पार्टी के एक इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी, जिसके नाम पे ये लोग इकोनॉमी के डंके पीटते हैं या फिर जिसकी शक्ल दिखा दिखा के ये दिखाते थे कि हम इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर देंगे, उस सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले 1 महीने में दो बहुत ही मेजर स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने ये बोला कि गेट रेडी टू से गुड बाय टू 5 ट्रिलियन इफ नो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज फोर्थ कमिंग, नीदर बिजनेस नीदर बोल्डनेस अलोन और नॉलेज अलोन कैन सेव द कंट्री फ्रॉम द क्रैश, इट नीड्स बोथ, टूडे वी हैव नीदर। पहला स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने ये दिया और सीधा निशाना यहाँ पर साधा मोदी सरकार के ऊपर, यानी कि वो बीजेपी के ही एमपी हैं लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर ही निशाना साधा और ये बताया कि कोई भी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाई जा रही, कोई भी बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी का चेंज नहीं लाया जा रहा, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किसी भी तरीके से इस क्रैश को होने से हम लोग नहीं बचा सकते। अब इनके अपने ही इकोनॉमिस्ट ये बातें बोल रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट जो सुब्रमण्यम स्वामी ने रिसेंटली दिया उसके बाद 5 सितंबर की बात है, उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, एग्रीकल्चर इज इन बैड शेप, इफ द इकोनॉमी इज नॉट रेक्टिफाइड मोदी हैज अबाउट 6 मोर मंथ्स टिल पीपल स्टार्ट चैलेंजिंग हिम। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये सब चीज़ें राइज पर हैं, सारी प्रॉब्लम्स राइज पर जा चुकी हैं, मोदी जी के पास सिर्फ 6 महीने हैं आज से, उसके बाद लोग उनको चैलेंज करना शुरू कर देंगे। ये इनके अपने इकोनॉमिस्ट की राय है, ये कोई कांग्रेसी लेफ्टिस्ट कोई बाहर के आदमी की कोई पाकिस्तानी की राय नहीं है, किसी एंटी नेशनल की राय नहीं है। अब इनको क्या बोलेंगे आप, इनको अनभक्त क्या बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, ट्रेटर बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जानते हैं अनभक्त कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बात बोल रहे हैं वो सरासर सच है, 100% ट्रूथ है। ऐसे में डे ड्रीमिंग के जब स्टेटमेंट्स आते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर के, 10 ट्रिलियन डॉलर के, अब दोस्तों बोलने को क्या है, बोलने को राजनाथ सिंह ने 10 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचाने की बात कर दी, वहीं अजय सिंह बिष्ट जो है योगी आदित्यनाथ ऑरेंज बाबा वो कह रहे हैं यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचा देंगे। तो ट्रिलियन तो मुझे लगता है दोस्तों इन्होंने कोई नया शब्द सीख लिया है और ये ट्रिलियन ट्रिलियन खेल रहे हैं आपस में, एक 1 ट्रिलियन बोलता है तो दूसरा 5 ट्रिलियन बोलता है तो तीसरा 10 ट्रिलियन बोलता है, इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। जितने भी प्रोमिसेस थे पिछले टाइम में कोई पूरे नहीं करे, साथ ही साथ आगे आने वाले समय के लिए भी ऐसे सिली प्रोमिसेस हमारे को करे जा रहे हैं, सिली बातें हमारे को बताई जा रही है और डे ड्रीमिंग हमारे को कराने की कोशिश करी जा रही है। जहां पर एक तरफ सरकार पूरी फेलियर हो चुकी है इकोनॉमिक फ्रंट पे, वहीं पर सरकार के इतने बड़े बड़े उच्च स्तरीय लोग ये कह रहे हैं कि 10 ट्रिलियन डॉलर पे देश की इकोनॉमी को पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों की बात सच है
और इस बात को ही हमारे को मान के चलना चाहिए कि इकोनॉमी हमारी बुरी तरीके से क्रैश होने वाली है और इसका प्लान ऑफ एक्शन हमारे देश की सरकार के पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी हाउडी मोदी में लगे हुए हैं। एक इवेंट जो 22 सितंबर को होने वाला है टेक्सिस में, जहाँ पर ह्यूस्टन में, जहाँ पर मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे और बात चल रही है कि शायद वहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आए, वहाँ पर एक तरीके से बातचीत हो दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ, उसमें मोदी जी बिजी हैं। लेकिन मोदी जी को हमारे देश की इकोनॉमी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। हर रोज़ हर दूसरे दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बातें चल रही हैं बहुत तरीके की, लेकिन इकोनॉमी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज या कोई भी साइन ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं अमित शाह पीछे से बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा। अरे भाई अमित शाह जी, अगर आप इकोनॉमिक स्लोडाउन बोलो या आर्थिक मंदी बोलो, प्रॉब्लम बदल नहीं जाएगी। प्लीज़ अपने दिमाग के ताले खोलिए और इन चीज़ों को समझिए, एटलीस्ट हमारे देश के यूथ को भटकाने का काम मत करिए। लेकिन दोस्तों ये बाज नहीं आएंगे, ये भटकाते रहेंगे। फ़र्ज़ हमारा है, कर्तव्य हमारा है कि हम इनकी बातों में आके असली मुद्दों से भटके ना। इकोनॉमिक स्लोडाउन है और उसी को हम लोग मान के चलें, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग करके चलें, इनके प्लानिंग में चलें तो हम लोग तो पूरी तरीके से सड़क पे आ जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग इनके हिसाब से प्लानिंग मत करिए, अपने हिसाब से प्लानिंग करिए, ऐसी चीज़ों से प्लानिंग करिए जिससे आपके आने वाले समय में आपके पास आपकी सेविंग्स रहें। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि राजनाथ सिंह के इस बयान के बारे में, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, योगी आदित्यनाथ या फिर राजनाथ सिंह या फिर मोदी जी के $5 trillion के इन बयानों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है आप लोगों को जब ऐसी बातें हमारे देश के उच्च स्तरीय नेता करते हैं, उस चीज़ को, उस थिंकिंग को क्या लगता है आपकी ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताइए और अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।